एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आलू के चिप्स के, किस तरीके से आलू के चिप्स बनाऊँगी मैं आज वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये कट पीस के आलू हैं, क्योंकि आजकल तो मशीनों से खुदाई होती है खेतों में, तो आलू में थोड़ा बहुत कट लग जाता है और कोई ख़राबी नहीं है इन आलुओं में। तो मैं हर बार ही चिप्स बनाती हूँ, इस बार इरादा नहीं था, लेकिन पिछली बार के बनाए थे मैंने वो ख़त्म हो गए थे, तो मुझे बनाने थे। इधर रमज़ान भी आने वाले हैं तो अच्छे लगते हैं, रमज़ान में चिप्स वगैरह तल लो थोड़ा सा अफ्तारी के लिए। तो पहले मैं सभी आलूओं को छील लूँगी अच्छे से, और जो भी थोड़ा कट लगे हुए हैं उसको निकाल दूँगी अच्छे से। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े आलू हैं, और आलू बहुत बढ़िया आलू हैं ये। तो पहले इनको सभी को मैं छील लूँगी अच्छे से। इधर मेरे आलू छिल चुके हैं, देख सकते हैं आप, सभी आलू को मैंने अच्छे से छील लिया है। अब चिप्स काटने से पहले मैं रख देती हूँ पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि जब तक मैं चिप्स काटूँगी तो इधर पानी भी गर्म हो जाएगा। तो मैंने इसमें दो बड़े जग पानी डाल दिया है, और इसमें साथ में डाल दूँगी 2 चम्मच के करीब नमक। जब तक मेरा पानी गर्म होगा तो उधर मैं चिप्स काट लूँगी। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया, पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा पानी और डालूँगी और इसको ढक दूंगी। अब इससे चिप्सर से मैं काटूंगी चिप्स। तो आलू मैंने ले लिया है, आलू को थोड़ा मैं खड़ा करके नहीं काटूंगी, लिटा के काटूंगी, इससे बड़े बड़े चिप्स बनते इस तरीके से, और खड़ा नहीं काटूंगी, इससे छूटे आएंगे। तो इसलिए मैं अब इसको काटूंगी लिटा कर आलू को, तो बड़े बड़े चिप्स आएंगे। तो बड़े बड़े चिप्स अच्छे लगते हैं खाने में भी, और देखने में भी बड़े बड़े चिप्स अच्छे लगते हैं। तो मैं इनको कटिंग कर लूँगी सभी चिप्स की। ये देखिए इस तरीके से बड़े बड़े चिप्स आ रहे हैं, ये अच्छे लगते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इधर मैंने चिप्स काट लिए, इसमें थोड़ा आलू ख़राब था इसलिए उसका मैं होल आ गया है। तो पहले मैं काटूँगी प्लेन, एक बनते हैं लाइनिंग वाले तो वो भी काटूँगी। तो इनको साथ ही मैं डाल दूँगी पानी में, जिससे कि आलू काले ना पड़े चिप्स हमारे। तो जल्दी जल्दी मैं इनको काट लूँगी। बच्चों को तो मेरे बस ज़्यादा ही पसंद है चिप्स, और चाय वगैरह के साथ, स्नैक के साथ अच्छे भी लगते हैं। शाम के टी टाइम के लिए चिप्स फ्राई कर लो आप, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं नमक मिर्ची वगैरह डालकर। तो ये देखिए कितने बढ़िया और पतले पतले चिप्स बन गए हैं। अब मैं काटूँगी इसमें लाइनिंग वाले, जो लेस वाले आते हैं, लाइनिंग होती है उसमें। तो पहले मैंने प्लेन काट लिए थे, अब मैं काटूँगी लाइनिंग के। ये लाइनिंग के चिप्स ज़्यादा अच्छे थे, लेस वाले जो आते हैं पैकेट में आपके, ये देखिए इसमें लाइन बन जाती है इस तरीके से, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। ये फ्राई करने के बाद और ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, तो बहुत संभाल के काटने पड़ते हैं, इसमें डर रखता है, हाथ कटने का डर रहता है। तो मैं इसको आराम आराम से काट रही हूँ। सादा वाले तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी काट लिए थे, प्लेन था वो, उसमें इतना डर नहीं लगता, इसमें ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि एक बार मेरा हाथ कट चुका था इसी से, लाइनिंग वाले से। ये देखिए ये मैंने काट लिए हैं सारे चिप्स, लाइनिंग वाले और सादा भी, दोनों मैंने काट लिए हैं। अब इनको मैं अच्छे से धो लूँगी, एक दो बार इनका पानी निकाल दूँगी, क्योंकि इसमें आलू में ज़्यादा स्ट्रैच होता है इसलिए। तो ये साफ़ हो जाएंगे अच्छे से, फिर दिक्कत नहीं आएगी बॉयल करने में। ये मैं इनको 2-3 बार धो लूँगी पलट पलट कर, जितना भी स्ट्रैचेस का सारा निकल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उबालने में चिप्स को। तो ये मैंने धो लिए हैं अच्छे से, 3-4 बार पानी निकाल दिया था, और अब इनको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि उधर मेरा पानी भी गर्म हो चुका है। ये मैंने निकाल लिए हैं स्टेनर में, अब इसमें डाल दूँगी, पानी गर्म हो चुका है।
तो इनको डाल दूंगी मैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए ही पकाऊंगी, इसमें ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि ज़्यादा पक जाएंगे तो ये टूटेंगे, फिर दिक्कत आएगी फैलाने में भी। पाँच मिनट करीब हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी स्ट्रेनर में, उन्हें फैला कराऊँगी क्योंकि ज़्यादा बॉईल कर लूँगी तो ये टूट जाएंगे तो फिर अच्छे भी नहीं लगेंगे चिप्स हमारे, साइज छोटा हो जाएगा, बेकार दिखेंगे। तो ये हल्के हल्के से गल चुके हैं, अब इनको मैं निकाल लूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, क्योंकि ये पैसे ही पतले होते हैं, काट दिए जाते तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो अब इनको निकाल लूँगी और बाकी की भी डाल दूँगी इसमें। सारे चिप्स मैंने निकाल लिए हैं अब स्टेनर में, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा, तो बाकी के भी मैं इसमें डाल दूंगी क्योंकि जब तक उनको फैला के आऊँगी जब तक ये हो जाएंगे, तो इनको भी मैं डाल दूंगी इसमें। चिप्स लेकर आ चुकी हूँ मैं ऊपर, तो अब इनको मैं फैला दूंगी चारपाई पर, क्योंकि चारपाई पर जल्दी सूख जाएंगे, नीचे से भी हवा लगेगी और ऊपर से तो धूप लगेगी और साथ हवा भी लगेगी, तो इनको इस तरीके से एक एक करके मैं फैलाऊंगी जिससे कि जल्दी सूख जाएंगे। बहुत गर्म है तो आराम से थोड़ा सा मैं संभाल संभाल के फैला रही हूँ उनको। जितनी मेहनत इनको बनाने में लगती है ना, इतनी मेहनत तो इनको खाने में भी नहीं लगती, क्योंकि इसको काटो, फिर बॉयल करो, फिर उसको फैलाओ। अगर हम इसी तरीके से डाल देंगे तो ये दिक्कत आएगी और गर्म गर्म ही फैल जाएंगे, क्योंकि थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो थोड़े स्टिकी हो जाएंगे। ये देखिए मैंने सारे चिप्स फैला दी जितने में लेकर आई थी एक बार में, अब जाके मैं दूसरे ले आऊँगी, बाकी के जो रह चुके हैं उनको ले आऊँगी और उनको भी फैला दूँगी। तो मैं वापस से फिर से आ गई हूँ लेकर जो डाल आई थी मैं पहले, और बाकी के जो रह गए तो उनको भी मैंने डाल दिए हैं। ये देखिए अब उस छत पर फैलाए हैं, ये लास्ट रह गए थे इनको मैं निकालने के लिए आ गई हूँ, ये बॉईल हो चुके हैं तो मैं इधर ही डाल दूँगी इसमें सिंक में ही, क्योंकि जो गर्म पानी है तो वो नाली में भी चले जाएगा, इससे जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं वो भी साफ हो जाएंगे, निकल जाएंगे, मतलब पाइप भी हमारा क्लीन हो जाएगा गर्म पानी से। तो मैंने इसमें डाल दिए हैं बाकी के रह गए थे, थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दूँगी इसके ऊपर तो ठंडे हो जाएंगे, तो फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी फैलाने में और ले जाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने निकाल लिए हैं सारे चिप्स और इनको भी जल्दी से फैला देती हूँ। देखिए मैंने सारे चिप्स फैला दिए हैं चारपाई पर, पूरी एक चारपाई भर चुकी है मेरी। और अब भी देखिए ये सारे चिप्स मेरे सूख चुके हैं और कितना गैप हो चुका है, मैंने कितने पास पास सुखाए थे इनको, क्योंकि ये सूख गए हैं थोड़ा थोड़ा सुखड़ गए हैं, इसलिए अभी हल्के से घी लिए हैं सामने, ये डाले थे जो मैंने लास्ट में, और ऊपर के ये सारे सूख चुके हैं। अब मैं ले आती हूँ इसमें से कुछ चिप्स, तब फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ले लिए हैं प्लेट में थोड़े से, अब इनको करूँगी फ्राई। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है तो इसमें डाल दूँगी मैं, और देखिए कितने बड़े हो जाएंगे और कितने वाइट वाइट निकलेंगे। देखिए अभी थोड़े से हल्के गीले हैं, इस वजह से सिकने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और बहुत बढ़िया बने हैं। ये देखिए जो कुछ सूख गए हैं वो तो बहुत जल्दी सिक जाएंगे, क्योंकि उनमें धूप पहले से लग चुकी थी, लास्ट वाले रह गए थे ना इसलिए। ये देखिए कितने बढ़िया और बड़े बड़े हो गए हैं ये, और कितने सफ़ेद रखे हुए हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इधर हमारे सारे चिप्स फ्राई हो चुके हैं जितने मैं लेकर आई थी। ये देखिए ये रेड इसलिए दिख रहे हैं हल्के से, क्योंकि ये भी हल्के से गीले थे इसलिए, और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं।